कि जो रस्सी है ना, कच्चे धागे, मतलब ये जो जीवन रूपी नाव है, वह इसको क्या कर रही है, रस्सी से क्या कर रही है, खींच रही है, पर रस्सी पे रोज बूंद पड़ रही है, तो रस्सी क्या होती जा रही है, पानी की बूंदों से कमजोर होती चल जा रही है। इस प्रकार जो उसके जो प्रयास है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, वो क्या होते जा रहे हैं, व्यर्थ जाते जा रहे हैं। ना जाने कब ईश्वर उसकी पुकार सुनेंगे और उसको इस संसार रूपी भवसागर से क्या करेंगे, पार कराएंगे, मतलब उसको अपने पास बुलाएंगे। कब वो ईश्वर उसकी पुकार सुनेंगे। देखो कवित्री ये कह रही है कि ये जो जिंदगी रूपी नाव है इसको वो क्या, जिंदगी रूपी नाव जो है उसको वो क्या कर रही है, कच्ची रस्सी से क्या कर रही है, खींच रही है कच्ची डोर से। अब उस डोर पे रोज पानी पड़ता जा रहा है, ये कमजोर होती जा रही है। इस प्रकार उसके दिन क्या होते जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं, परंतु उसको ईश्वर से उसको मिलन नहीं हो पा रहा है, उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ना जाने कब ईश्वर उसको इस भवसागर से क्या कराएंगे, पार उतारेंगे। ठीक है, आगे पानी आगे क्या आएगा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि जिसके पास, ठीक है, जीवन में सब कुछ होता है, क्या होता है, सब कुछ होता है, उसको भी अहंकार हो जाता है, क्या हो जाता है, जो बहुत सादा जीवन जीता है उसको भी अहंकार हो जाता है, जो वैराग्य धारण कर लेता है, मतलब साधु वगैरह, उनको भी क्या हो जाता है, त्याग कर देता है। जो दोनों के मध्य रहकर क्या करता है, दोनों के बीच संतुलन बनाकर ईश्वर भक्ति करता है, उसी को सही मायने में ईश्वर की क्या होती है, प्राप्ति होती है। क्या होती है, जिसके मन में दूसरे के लिए हृदय अहंकार की जगह क्या होगा, प्रेम होगा, दया होगी, करुणा होगी। ठीक है, उसी को क्या होता है, ईश्वर की क्या होती है, प्राप्ति होती है। आखिर में क्या कहता है वो, आई मैं सीधी राह थी। हम आते तो सब लोग, हम लोग क्या है, सीधे आते हैं ईश्वर। जब हम जन्म लेते हैं तो हम क्या होते हैं, हम बिल्कुल पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, पर हम दुनिया में क्या होते हैं, सारे दुखों रोगों कष्ट, हम क्या करते हैं इस जीवन में, हम क्या करते हैं, हम चालाक हो जाते हैं, हम छल कपट भेदभाव ये सब सीख जाते हैं। ठीक है, इन बंधनों में हम लोग क्या हो जाते हैं, खुद को बांध लेते हैं भेदभाव के बंधन में, छल कपट के बंधन में, सांसारिक माया मोह के बंधन में। और फिर जब परमात्मा से मिलने का समय नज़दीक आ जाता है, मतलब कि जब हम खड़े होते हैं, हम सेतु में खड़े होते हैं, कुछ ही हमें पता होता है, कुछ ही हमारे पास क्षण या कुछ ही दिन बाकी है, तो जब हम अपनी जेब टटोलते हैं तो हमें एहसास होता है, अपनी गलतियों का एहसास होता है, हमें एहसास होता है कि हमने तो जीवन में कुछ कमाया ही नहीं, और बल्कि जो जीवन था हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको व्यर्थ ही गंवा दिया। अब हम ईश्वर को क्या मुँह दिखाएंगे। अब मम्मी मुझे नहीं जाना, चुप रहो बिल्कुल। कवित्री आगे कहती है कि जब परमात्मा मुझे जन्म मरण के इस भवसागर से पार उतारेंगे तो मुझे क्या होगा, भेंट में मैं क्या दिखाऊंगी ईश्वर को, मैंने क्या प्राप्त किया है। अगले में कवि कहती है कि कण कण में शिव बसता है, इसलिए हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। हाँ बताया था मैंने तुम्हें। अब वो कहता है कि कवित्री आगे कहती है कि कड़ कड़ में मतलब क्या है, शिव है, इसलिए हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कवित्री आगे ये कहती है कि अपने अंदर झांक कर देखो, अपने आप को पहचानो, ठीक है, मन को पवित्र बनाओ, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें ईश्वर से खुद ही क्या हो जाओगे, मिलन का रास्ता मिल जाएगा तुम्हें। उसके लिए तुम्हें हिंदू मुसलमान मेरा भगवान तेरा भगवान करने की जरूरत नहीं, अपना मन तुम्हारा निर्मल होगा तो तुम्हें क्या हो जाएगा, हर जगह तुम्हें क्या होगा, कहीं तुम्हें पल भर के प्रयास से ईश्वर मिल जाएगा। कि ईश्वर तो कड़ कड़ में है, उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन को साफ करने की जरूरत है।